दोस्तों, चींटी को आपने अपने घर में या आसपास कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। दिखने में ये छोटा सा जीव काफी अजीबोगरीब होता है। जी हाँ, जैसे चींटी के पास कान ही नहीं होते और वो कभी भी सो नहीं सकती। यही नहीं, चींटी की कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। तो आइए जानते हैं चींटी से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि अगर चींटी के कान नहीं होते तो वो सुनती कैसे है। वो सुनने समझने का काम अपने पैरों के नीचे की सतह पर होने वाले कंपन से करती है। उसी से वो खतरे को भांपती है। अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो वो एक खास तरीके का केमिकल सिग्नल छोड़ने लगती है। इसी तरह जब उन्हें कहीं खाना मिलता है तो वो तुरंत अपने साथियों को बताने लगती है। इसके लिए वो एक खास तरह का केमिकल फेरोमोन छोड़ती है। इसलिए चींटी एक ही कतार में एक के पीछे चलती है, ना इधर ना उधर। कोई भी चींटी को अगर कहीं खाना मिलता है तो वो फौरन अपने दूसरे साथी को बताती है। उससे ये कह सकते हैं कि ये पृथ्वी पर मौजूद प्राणियों में सबसे कम स्वार्थी प्राणी मानी जाती है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि चींटी सांस कैसे लेती है। क्या उनका भी कोई फेफड़ा होता है जिससे वो सांस ले और ऑक्सीजन पूरे बॉडी में फैल जाए? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चींटियां ऑक्सीजन तो लेती है लेकिन एकदम अलग तरीके से। दरअसल चींटियों के सांस लेने का पूरा सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उनके पूरी बॉडी में कई सारे छेद होते हैं जो ट्यूब से जुड़े होते हैं। चींटियां उन्हीं के जरिए ऑक्सीजन लेती हैं और यही ट्यूब्स के जरिए उनकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फैलता रहता है। चींटी एक ऐसी प्राणी है जो दुनिया में हर जगह पाई जाती है, लेकिन वो एक जगह नहीं पाई जाती। वो ठंडा इलाका अंटार्कटिका है। इसके अलावा दो चार और बर्फ से ढके रहने वाले ऐसे आइलैंड है जहाँ वो नहीं पाई जाती। दरअसल चींटियां ठंडे इलाके में नहीं रहती हैं, इसलिए वो ठंड के मौसम में गायब हो जाती है। तब वो जमीन के नीचे या चट्टान के नीचे गर्म जगह ढूंढकर वहीं रहती है और वहां रहकर अपनी रानी चींटी को महफूज भी रखती है। वैसे रिसर्च ये बताती है कि चींटी इस धरती पर 130 मिलियन साल पहले से है। चींटियां डायनासोर दौड़ से भी पुरानी है। अब हम एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं कि चींटी के दो पेट होते हैं। क्या आपने इससे पहले कभी सुना था? शायद नहीं। चींटी के दो पेट होते हैं। इनमें से एक पेट में वो खाना स्टोर करके धीरे धीरे वो खुद खाती है और दूसरे पेट में खाना स्टोर रहता है जिसको वो किसी दूसरे चींटी को दे सकती है। वैसे अगर खाने की बात चली है तो ये भी जान लीजिए कि हम ह्यूमंस की तरह चींटी का भी खाना डाइवर्स होता है। वो वेज से लेकर नॉन वेज तक सब कुछ खाती है। हालांकि छोटे टुकड़ों में पाउडर की तरह फैला खाना उन्हें ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब हम ये जानेंगे कि चींटियों की एज कितनी होती है, आखिर वो कितने साल या कितने दिनों तक जिंदा रह सकती है। चींटी की उम्र 5 हफ्ते से लेकर 2 से 3 साल तक होती है। वहीं घर में रहने वाली चींटियों की उम्र कम होती है और बाहर में खुले कॉलोनी बनाकर जो चींटियां रहती हैं उनकी उम्र ज़्यादा होती है। हालांकि उनकी एज उनके खाने और रहने की जगह पर भी डिपेंड करता है। खुले में जो चींटियां कॉलोनी बनाकर रहती हैं उनमें एक कॉलोनी में 10,000 से ज़्यादा चींटियां रह सकती हैं और इस कॉलोनी में एक नहीं बल्कि कई रानियां चींटी भी होती है। कॉलोनी का मतलब जो चींटी मिट्टी से बाहर घर बनाती है उन्हें ही चींटी का कॉलोनी कहा जाता है। आपने कभी ना कभी तो चींटी का कॉलोनी देखा ही होगा। दोस्तों, वैसे तो चींटी से जुड़ी कई ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।